पटना के प्रशासन पुलिस प्रशासन द्वारा मार्ग खिलवाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, दौड़ा दौड़ा के इतना मार मारा गया है, बताइए हम खुद गिरे हैं, हमको इसमें करेजा के हड्डी में चोट लगा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन द्वारा इतना बेरहमी से पिटा गया है, किसी का माथा फट गया है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, किसी का शर्ट फट गया है, इस तरह से बेरहमी से मारा गया है हम लोग को। तो साफ अपने आप में मगन है, बोल रहे हैं पब्लिक का कोई शिकवा शिकायत सुनने का इरादा नहीं, बोल रहे हैं कल आइए, बताइए। हम लोग दवाई खाएं तब फिर RJRD कार्यालय घेरने के लिए आए, क्या कि जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। और वहां पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया, बेरहमी से मारा गया। राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर रात्रि प्रहरी के लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा बेरहमी से उनको पीटा गया है। और अब ये लोग RJD प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं अपनी बात को रखने के लिए, RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिलने के लिए। लेकिन इन लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदानंद सिंह इन लोगों से नहीं मिलते हैं, और अब ये लोग RJD प्रदेश कार्यालय के बाहर गेट पर रुके हुए हैं। क्या कुछ घटना हुई थी वहाँ पर? वहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब का आदेश आया कि आप लोग चले जाइए, तो हम लोग बोले ठीक है चले जाते हैं। से कल हम आप लोग को KK पाठक जी से यहाँ से आदेश करवा के आपको मिलवाएंगे। हम कहे सर हम लोग 2-3 मर्तबे गए हैं, KK पाठक जी से हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, लेकिन इन लोग बोले कि आपको मिलाएंगे। फिर हम लोग धरना शांति कर करके राबड़ी आवास जा रहे थे तेजस्वी जी से मिलने के लिए, अपना मंतव्य रखेंगे, हम लोग को युवा नेता हैं, हम लोग भरोसे से जा रहे थे, लेकिन प्रशासन लोग हम लोग को छेक करके मारपीट किया, बहुत आदमी को पैर में चोटा है, किसी को सर में चोट लगा है। फिर हम लोग वहां से आ करके यहां आए RJD कार्यालय कि हम लोग अपना मंतव्य को रखेंगे, लेकिन जंगदा बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनसे मिलने के लिए सोचे, तो वहाँ पर एक कोई टेबल पर बैठे हुए उन लोग बोले कि आज नहीं मिलिएगा, कल आपको बुलाया जाएगा। 12 बजे से मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई, उन लोग बोले 12 बजे, हम लोग अभी आए थे, उन लोग 12 बजे अभी हम लोग को भूख लगा हुआ, बोलते हैं 12 बजे मिलने के लिए आया गया है। कौन दौड़ाया? पटना के प्रशासन पुलिस प्रशासन द्वारा मार्ग खिलवाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। हम मान के चलिए कि रोड है, रोड आम पब्लिक के लिए है कि नहीं। हम लोग अपने धरना को विराम देके घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे, कोई ट्रेन से थे, कई लोग का वो मूर्ति जो है सचिवालय के पास गाड़ी लगा हुआ था, बस 100-200 के संख्या बल में रोड से आ रहे थे, दौड़ा दौड़ा के इतना मार मारा गया है, बताइए हम खुद गिरे हैं, हमको इसमें करेजा के हड्डी में चोट लगा हुआ है। RJD प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई? बिल्कुल नहीं हुई, तो साफ अपने आप में मगन है, बोल रहे हैं पब्लिक का कोई शिकवा शिकायत सुनने का इरादा नहीं, बोल रहे हैं कल आइए, बताइए आज आए समस्तीपुर से भूखे प्यासे, फिर कल आना ही होगा, आप ही सोचने वाली बात है महोदय। राबड़ी आवास पहुंचे थे, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है? लालू यादव राबड़ी आवास पहुंचे, वहां पे तेज प्रताप जी गाड़ी से निकले, उनको एक ज्ञापन दिए, लेकिन वो भी बिजी थे, अपने काम में चले गए। तेजस्वी भैया भी थे, तो उन लोगों को भी अपना देखे गाड़ी में, लेकिन रुके नहीं हम लोग के पास। आप लोगों की मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है? हमारी सर मांग एकदम छोटी सी मांग है कि हम लोगों का कम से कम नियमित करें, हम लोग के नियमावली में संशोधन करते हुए, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड है, आप समझिए हम ही डबल ग्रेजुएट हैं, कम से कम योग्यता के आधार पर परिचारी में समायोजन किया जाए, और हम लोग का न्यूनतम मजदूरी मिले और 100 समय वेतन मिले। क्या है वेतन, हम लोग को चेक के माध्यम से मिलता है, और यहाँ पे क्या धांधली है कि कई टीचर के द्वारा, कई सचिव के द्वारा प्रबंधन समिति के घूस मांगा जाता है, 20,000 रुपया दो तब वेतन देंगे, एकदम निंदनीय। लाठी चार्ज हुई आप लोगों के ऊपर, क्या कुछ प्रकरण हुआ था वहाँ पर? हम लोग राबड़ी आवास पे ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, तो हम लोग लगभग 4,000 की संख्या में थे, मौजूद थे, तो पुलिस प्रशासन द्वारा इतना बेरहमी से पिटा गया है, किसी का माथा फट गया है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, किसी का शर्ट फट गया है, इस तरह से बेरहमी से मारा गया है हम लोग को। दवाई खाए तब हम लोग बोले, दवाई खाने के बाद हम लोग यहाँ घेराव करने के लिए फिर आए हैं, देखिए एकदम पूरा एकदम चोट टूट लग गया है ठेना में, हम लोग दवाई खाएं तब फिर RJRD कार्यालय घेरने के लिए आए, क्या कि जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, हम लोग को ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। हम लोग को हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं, प्रशासन से ही पूछना चाहते हैं कि हम लोग एक सुरक्षा कर्मी है, और सुरक्षा नाइट गार्ड है स्कूल का, हम लोग ही सुरक्षा करते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था आज बिहार की चल रही है, अगर हम लोग अगर निकल जाए स्कूल से, अगर सुरक्षा नहीं दे, तो आपका शिक्षा व्यवस्था पूरा चौपट हो जाएगा, और सुरक्षा और सुरक्षा कर्मी पे ही आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, आपका ही अंक हम लोग भी आते हैं, तो इस पर अगर मामला यह है, हम रात्रि प्रहरी संघ के समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष हैं,
हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे और उसके बाद हम लोग राबड़ी आवास गए थे। माननीय तेजस्वी यादव, तेज प्रताप राबड़ी जी और लालू जी से हम लोग को मिलना था, तो हम लोग मिलने के लिए जैसे ही जा रहे थे उसी वक्त जो है वहाँ के जितने प्रशासन से वो जानबूझ के हम लोग के ऊपर जो है किसी को कपार में मारा गया और कपार उसका सर फट गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और हम लोगों को, हमको तो यहाँ पे मारा है, दो तीन लाठी यहाँ लगा, पैर में लगा है और इतना है कि ये फूला हुआ है जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, फूला हुआ है, चलने में परेशानी हो रही है। अब बताइए ये लोकतंत्र है क्या है, आप समझ सकते हैं? इस लोकतंत्र में क्या बोलने का अधिकार नहीं है, मिलने का अधिकार नहीं है? आप बताइए आप हमें, हम लोग क्या करेंगे? 5,000 की नौकरी पे कितना दिन हम काम करेंगे? हमारे पास ना सुरक्षा किट है, रात में कोई आ जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा सुरक्षा बचाने के लिए, तो हम क्या करेंगे? मारने वाले कौन लोग? मारने वाले प्रशासन थे, सभी प्रशासन थे, पदाधिकारी में, पदाधिकारी के द्वारा ही ना ऑर्डर दिया गया कि वहाँ पे कौन पदाधिकारी थे सो हम नहीं देख पाए, सचिवालय के, और वहाँ पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया, बेरहमी से मारा गया। अब बताइए, आज कृष्ण अष्टमी का दिन था, कम से कम आज तो हम लोग के साथ इस तरह की व्यवहार पुलिस को नहीं करनी थी। हम लोग तो निश्चित तौर पर मैं उस तस्वीर को आप लोगों को नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो तस्वीर आपको व्याकुल कर सकती है, क्योंकि इस बेरहमी से इन लोगों को पीटा गया है, किसी का सर फट गया, किसी की उंगली फट गई, बेरहमी से इस कदर पीटा गया है कि जगह जगह चोट आई है। और अब ये लोग आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं। इन लोगों की बस एक ही मांग है कि इन लोगों को अस्थाई कर दिया जाए। ये लोग राबड़ी आवास भी पहुंचे थे, लेकिन वहां भी तेजस्वी यादव से इन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, लालू यादव से मुलाकात नहीं हो पाई, राबड़ी देवी से मुलाकात नहीं हो पाई। अंत में ये लोग आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं कि जगदानंद सिंह से मुलाकात हो जाए, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि सरकार के कानों तक इन लोगों की आवाज पहुंच पाती है नहीं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।